किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसी होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। नमस्कार, एक और एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप PTT के द्वारा BEd कर रहे हो या BSc BEd और BA BEd कर रहे हो तो आप लोगों के लिए, या फिर आप 2 ईयर BEd कर रहे हो तो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। वीडियो में आपको मैं ये पूरा ऑफिशियली नोटिफिकेशन दिखाऊंगा कि आपको किस प्रकार से फॉर्म अप्लाई करना है, क्या क्या कमियां है वो आपको फॉर्म में नहीं करनी है, और किस प्रकार से फॉर्म आपको लगाना है ताकि आपका फॉर्म बैक नहीं आए और आपकी जो छात्रवृत्ति है पूरी की पूरी फीस आपको वापस मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि कोई भी जो जानकारी है वो आपसे मिस नहीं हो और आपकी जो छात्रवृत्ति है 100% आ जाए बिना किसी रिमार्क के। तो ये वीडियो आप पूरा देख लेना, जिससे ये मैं आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन के द्वारा पूरी बातें समझाने वाला हूँ, क्योंकि कई स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारा एडमिशन हो चुका है और अब हमें छात्रवृत्ति की ज़रूरत है। तो किन किन को छात्रवृत्ति मिलेगी, किन को नहीं मिलेगी, अगर किसी को मिलेगी तो कितनी छात्रवृत्ति मिलेगी, और इसमें SC ST OBC किस प्रकार की कैटेगरी को शामिल किया जाएगा और किसको नहीं किया जाएगा, कितनी आय वाले होंगे, जिनकी वार्षिक आय इतनी है तो उनको छात्रवृत्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो अब हम बात इस टॉपिक पर कर लेते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है, एक बार चैनल को सभी सब्सक्राइब कर ले ताकि राजस्थान में जितनी भी छात्रवृत्ति आपको मिलती है राजस्थान के स्टूडेंट्स को, सारी छात्रवृत्ति से संबंधित जानकारी आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे आपको फॉर्म लगाने से लेकर और वापस बैक आने तक, या फिर आपकी छात्रवृत्ति आपके खाते में आने तक की जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहेगी। अब बात कर लेते हैं, ये जो राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा ये छात्रवृत्ति दी जाती है हमें, तो आप इसमें यहाँ पर देख लीजिए कि किस प्रकार से आपको छात्रवृत्ति मिली है, किसे नहीं मिलती है। तो शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए बात हो रही है, राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विशेष समूह योजना यानी पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु, मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा स्तर, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में राज्य की राजकीय निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर की राजकीय राष्ट्रीय एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में जो 11वीं 12वीं के अतिरिक्त, आप यहां पर देख सकते हो जिसने कक्षा 10 उत्तीर्ण कर ली है तो राजस्थान SJMSNewsRajasthan.government.in अथवा स्कॉलरशिप अथवा SSO पोर्टल पर स्कॉलरशिप SJEF पर क्लिक कर पेपरलेस आवेदन पत्र ऑनलाइन पंजीकरण करने और आवेदन पत्र भरने के लिए नियमानुसार तिथियां यहां पर निर्धारित की गई है। तो अब आपको यहां पर समझ में आ गया होगा कि किन को छात्रवृत्ति मिलेगी किन को नहीं मिलेगी। अब यहां पर हम बात करेंगे, इसकी जो डेट है वो शुरू हो चुकी थी 8 नवंबर से, और इसके बाद में इसकी जो लास्ट डेट रहेगी 30 नवंबर। दोस्तों इसकी जो लास्ट डेट है इसके बढ़ने के 100% चांस है, लेकिन आप इस बढ़ने के चक्कर में मत रहना, क्योंकि क्या पता आपका जो 1% चांस बन रहा है तो वो भी आपसे मिस हो जाए, आपकी छात्रवृत्ति आए या नहीं आए, आप फॉर्म अप्लाई कर सको या नहीं कर सको। तो अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं जो ये छात्रवृत्ति आएगी किसकी आएगी, क्या इसमें आय सीमा यहाँ पर रखी गई है कि कितनी आय वालों को मिलेगी। तो इसमें SC ST SBC उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 2.5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों के विद्यार्थी जब आवेदन करेंगे तो उन्हें छात्रवृत्ति मिलेगी, उनकी आय आप यहाँ से याद रख लेना, SC ST और SBC तीनों के लिए 2.5 लाख रुपये है, तो आप इस आय सीमा को ध्यान में रखते हुए अपना आय प्रमाण पत्र सबमिट करें। उसके बाद में यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग OBC उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति में 1.5 लाख रुपए होने से OBC के लिए 1.5 लाख रुपए हैं, बहुत से स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था, इसके लिए तक वार्षिक आय वाले सीमा निम्नलिखित 17 श्रेणियों वाले विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, जैसे
अब ओबीसी में कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, ये बहुत से कमेंट्स कर रहे थे स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ओबीसी वाले बीपीएल कार्ड धारक की पुत्री या पुत्र होना चाहिए, अंत्योदय कार्ड जिसके पास में है उसका पुत्र या पुत्री होना चाहिए, स्टेट बीपीएल कार्ड धारक उसकी पुत्री या पुत्री होना चाहिए, अनाथ बालिका बालक होना चाहिए, विधवा स्वयं फॉर्म इसके लिए अप्लाई कर सकती है, विधवा की पुत्री कर सकती है, पुत्र कर सकता है, तलाकशुदा महिला कर सकती है, तलाकशुदा महिला की पुत्री पुत्र कर सकते हैं, विशेष योग्य जन स्वयं कर सकते हैं, उनकी पुत्री और पुत्री के लिए भी ये होगा। उक्त श्रेणी में गत परीक्षा में न्यूनतम 60% प्राप्त अंक वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी, कि इसमें अगर आपने 60% अंक है वो प्राप्त कर रखे हैं गत कक्षा में तो आपको इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। अब यहाँ से आपको ये जानकारी जो मिल रही है, अगर आप इस जानकारी से संतुष्ट हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला जो हमारा है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दिया गया है कि EBC यानी डॉक्टर अंबेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग में 1,00,000 रुपये की जिसकी वार्षिक आय होगी उसको ये छात्रवृत्ति दी जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर ये जो घुमंतु वगैरह जाति होती है अर्ध घुमंतु, इनको 2,00,000 वार्षिक आय होने पर भी छात्रवृत्ति ये दी जाएगी। उसके बाद में मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 5,00,000 रुपये से कम वार्षिक आय वाले सभी जातियों के परिवारों के राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं विभाग द्वारा सूचीबद्ध में अध्ययनरत विद्यार्थियों के आवेदन कर सकेंगे। यानी इसमें जो सर्वजन आते हैं, मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा स्तर पर आते हैं, तो उनको 5,00,000 रुपये तक के सभी को दी जाएगी। इसके बाद में ये जानकारी आपको समझ में आ गई थी। इसके माध्यम से नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है कि आप SSO ID के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं या आप खुद न भर के ई-मित्र पर जाके आराम से आपको फॉर्म भराना है ताकि आपकी छात्रवृत्ति सही समय पर आ जाए। यहाँ पर यह बात मैंने आपको बता दी कि छात्र छात्रा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी स्वयं की ही दें, ये बात भी आपको विशेष ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार अपने आप घर वालों के नंबर दे देते हो और वो ना तो उस पर कोई ध्यान देते हैं और ना कोई मैसेज चेक करते हैं, तो इस प्रकार से जो रिमार्क आता है उसके बाद में आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। दस्तावेज की अगर बात करते हैं तो आप यहाँ से दस्तावेज देख लें, सारी जानकारी यहाँ से मिल रही है आपको, तो आप लगातार वीडियो पर बने रहें। उक्तानुसार छात्रवृत्ति योजनाओं में आवेदन करने वाले, तो यहाँ पर ऑनलाइन करते समय वांछित दस्तावेज और सूचनाएं आपको यहाँ पर देनी है, तो सभी दस्तावेज जनाधार राज ई वोल्ट डिजी लॉकर में से ऑनलाइन ही लिए जाएंगे। आपका आय का विवरण आपको देना पड़ेगा, मूल निवास आपको देना पड़ेगा, जाति का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, गत वर्ष की अंक तालिका ये आपको यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। इसके बाद में मूल दस्तावेजों की रंगीन स्कैन कर पोर्टल पर यथावत करें। अगर आप यहाँ पर फोटोकॉपी अपलोड करते हो तो ये आपके मान्य नहीं होगी, रंगीन जो आपके दस्तावेज है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की आप स्कैन करके वो अपलोड कराएं। इसके बाद में आप यहाँ पर ये नीचे वो सूचना दे सकते हो कि विद्यार्थियों की आधारभूत सूचना व आय विवरण में परिवर्तन, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। इसमें क्या है कि नाम, जाति, लिंग, आयु, पिता का नाम, माता का नाम, धर्म, बैंक खाता, मोबाइल नंबर और आवेदन के परिवार के समस्त स्रोतों से वार्षिक आय का विवरण यदि जनाधार पोर्टल से ली जा रही है, विद्यार्थी के शैक्षणिक रिकॉर्ड एवं जनाधार पोर्टल पर उपलब्ध डाटा में कोई भिन्नता होने पर शैक्षणिक रिकॉर्ड के अनुसार जनाधार पोर्टल में अंकित सूचना में ही संशोधन करवाया जाना आवश्यक होगा। अगर आपकी जो बैंक खाते की डिटेल आपके आधार कार्ड से मैच की जाती है और अगर सही नहीं होती है तो आपको वहाँ पर संशोधन करवाना पड़ेगा। तो इसके बाद भी जो नंबर 6 में दिया हुआ है कि जनाधार आईडी यानी जन आधार आईडी तथा आधार नंबर के अभाव में विद्यार्थी को छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं की जा सकेगी। अगर आपने अभी तक अपना नाम जन आधार कार्ड में नहीं जुड़वाया है तो ज़रूर जुड़वा लें। यहाँ पर यह साफ लिखा है कि जन आधार कार्ड में यदि आपका नाम नहीं है और आपका मूल और जाति दोनों आपके जन आधार से लिंक नहीं है तो आपकी छात्रवृत्ति 100% नहीं आएगी भाई। उसके बाद में नंबर 7 कॉलम हम यहाँ पर देखते हैं कि बैंक खाते में जन आधार उपलब्ध नहीं करवाने की स्थिति में, अगर आपका जो बैंक खाता है उसमें आप जन आधार उपलब्ध नहीं करवाने की चाहते हैं, छात्रवृत्ति राशि जन आधार कार्ड में अंकित विद्यार्थी अथवा परिवार के मुखिया के बैंक खाते में स्थानांतरित होगी। यदि विद्यार्थी अपने खाते में ही राशि स्थानांतरित करना चाहता है तो विद्यार्थी को जन आधार पोर्टल पर अपना बैंक खाता अंकित करना पड़ेगा। अब इसका मतलब आपको यहाँ पर शॉर्ट में समझा देता हूँ कि अगर आपने अपने जन आधार में अपना बैंक अकाउंट नहीं लिंक कर रखा है तो आपकी जो छात्रवृत्ति आएगी वो आपकी माताजी के खाते में आ जाएगी।
अगर आप अपने खाते में लाना चाहते हो, मंगवाना चाहते हो छात्रवृत्ति, तो आपको जन आधार में अपना बैंक अकाउंट अपने नाम के आगे लिंक करना पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ पर दो नियम भी और भी दिए गए हैं बीच में कि छात्रवृत्ति आवेदन आवेदन पत्र में जो खाता उनके द्वारा अंकित किया जा रहा है वह बैंक नियमों के अनुसार KYC पूर्ण स्वयं खाता होना चाहिए, कि आपकी उस खाते की KYC है पूर्ण होनी चाहिए, और छात्र के खाते में लेन देन भी बैंक द्वारा निर्धारित समय अंतराल में हो, एवं छात्र को प्राप्त होने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति की कुल धनराशि छात्र के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए कोई ऐसी सीमा लिमिट निर्धारित न हो जिससे कि धनराशि अंतरण संभव न हो पाए। यानी कि आपका जो खाता है उसकी कोई लिमिट नहीं है, होनी चाहिए, कि जीरो बैलेंस के कई बार खाते लोग लगा देते हैं उसमें छात्रवृत्ति नहीं आ पाती है, तो आप ऐसा नहीं करें। बैंक खाता बंद या अक्रियशील न हो, यानी कि आप जो भी खाता नंबर संख्या अपना लगाते हो वो आपका खाता चालू होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपकी छात्रवृत्ति नहीं आएगी। फीस की रसीद आपको मैं इसमें शॉर्ट में बता देता हूँ, यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है कितनी फीस आपकी होगी। तो आपने जो 5,000 रुपये की एक तो आपने काउंसलिंग करवाई है, 22,000 रुपये से आपने काउंसलिंग करवाई है, उसके बाद में आप पुस्तकालय शुल्क सभी की जो भी आपकी अन्य खर्चा होता है उस पर हॉस्टल का पुस्तकालय का परीक्षा शुल्क का सभी की रसीद है वो अपलोड करें और उसका अंत में टोटल कर दें ताकि आपकी छात्रवृत्ति ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। इसके बाद में शिक्षण संस्थान एवं पाठ्यक्रम का चयन, ये आपको आप इस पर पढ़ लेना क्योंकि मैं PDF आपको वहाँ पर उपलब्ध करवा दूंगा अपने WhatsApp ग्रुप पर या हमारे टेलीग्राम ग्रुप को उपलब्ध करवा दूंगा, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद में शिक्षण संस्थान का पोर्टल पर प्रदर्शन, ये शिक्षण संस्थान का रहेगा, आप ऑनलाइन करवाने के बाद में एक बार आपको अपनी कॉलेज में संपर्क करना है और अपना वहाँ से अकाउंट ओके कर देना है। अगर कॉलेज वाले आपका ओके कर देंगे तो उसके बाद में आपका जो छात्रवृत्ति का फॉर्म है वो समाज कल्याण विभाग है वहाँ से जांच करेगा। इसके बाद में आप यहाँ पर यह भी देख सकते हो नीचे हमारे नंबर 11 नंबर में दिया हुआ है कि वर्ष 2019-20 के जो मूल निवासी विद्यार्थियों के आवेदन पत्र के गृह जिले बोनाफाइड सर्टिफिकेट के जिलाधिकारियों के द्वारा स्वीकृत किए जाएंगे, यानी जो जिला अधिकारी है उनके द्वारा स्वीकृत किए जाएंगे उनके मूल निवास प्रमाण पत्र, जयपुर जिले के सांगानेर जोटवाड़ा, ये आप एक बार पढ़ लेना, यहाँ से उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के बारे में है कि अग्रेषित या फॉरवर्ड किए जाएंगे, तो आप यहाँ से देख सकते हो। मैंने आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दी है, इसके अलावा भी आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, अगर कॉल का मैं जवाब नहीं देता हूँ तो आप मुझे बार बार कॉल मत करना क्योंकि मैं अभी आपके कॉल का जब भी मेरे को टाइम मिलेगा आपके कॉल का जवाब दे दूंगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ दिन में, तो आप दिन में कॉल ना करें बल्कि आप शाम को 6 बजे के बाद में कभी भी कॉल कर सकते हो। इसके बाद में एक बात और महत्वपूर्ण रहेगी कि आप यदि WhatsApp ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें ताकि कोई PDF है आपको वहाँ पर प्राप्त हो जाएगी इसकी या अन्य किसी भी वीडियो की, जो PDF आपको पढ़कर आपको ध्यानपूर्वक एक बार फिर से इस पर ध्यान देने की बात है, तो आप लोग ज्वाइन कर लो और उसमें आप PDF है उसके बाद आसानी से पढ़ करके कंफर्म कर लेना। तो आज के वीडियो का हमारा टारगेट रहेगा 500 लाइक का, 500 लाइक, इसमें आप लोगों की भागीदारी महत्वपूर्ण रहेगी, तो आप लोग जरूर वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, खुश रहो, मस्त रहो।